नमस्कार साथियों, मैं आचार्य अवधेश आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने नई वीडियो में अपने चैनल पे, जिसका नाम है ज्योतिष टॉक विद अवधेश। दोस्तों, अभी तक हम लोग लग्न के बारे में वीडियोस चेक कर रहे हैं कि कौन सा लग्न आपका है और वो किस तरह का आपका स्वभाव बनाएगा, किस तरह से वो आपके करियर को प्रतिनिधित्व करेगा। आज उसी लग्न के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा लग्न रहेगा मकर लग्न। जैसा आपको दिख भी रहा होगा, मकर लग्न है। मकर लग्न बहुत ही महत्वपूर्ण लग्न होता है। इसका स्वामी शनि होता है और शनि को लोग बड़े डर भी जाते हैं, कई बार ये क्रूर ग्रह है, पापी ग्रह है, या ये दुनिया भर की चीजें इसके बारे में कुछ सही है कुछ मिथ्या है, इस तरह से चीजें चलती हैं। तो सबसे पहले तो आज हम शनि के बारे में कुछ समझ लेंगे इसमें, कि शनि से आपको डरना नहीं है। शनि बहुत प्यारा देवता है, वो किस किस तरह से आपके जीवन को प्रभावित करेगा, कैसे कैसे वो मकर और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए फल देता है। बाकी पूरी कुंडली में आपकी राशि कोई भी हो, आपका लग्न कोई भी हो, शनि को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो आज जो हम लग्न लेके आए हैं वो है मकर लग्न। इसके बारे में आज पूरी चर्चा करेंगे, इसके करियर को लेके, माता पिता के स्वभाव को लेके, जीवन साथी को लेके, इसके रोग, सारी चीजों के बारे में एक बार डिस्कस करेंगे। तो अगर आपका लग्न भी मकर है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों ठीक है, शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। उससे क्या होगा कि हमारी आने वाली वीडियोस आप पे आसानी से पहुंच जाएंगी, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं मकर लग्न को। पहले मकर लग्न के बारे में कुछ बेसिक चीजें हम समझ लेते हैं। देखिए, मकर लग्न में क्या है, इसका स्वामी शनि होता है। और देखो, शनि मकर का स्वामी भी है, यानी कि लग्न के जो आपका लग्न भाव है उसका भी स्वामी है, प्लस वो आपके दूसरे भाव का भी स्वामी हो जाएगा, क्योंकि यहां पे बैठेगी कुंभ राशि, कुंभ का स्वामी भी आपका शनि ही होता है। तो ये स्वामी शनि है और इसका भाव है प्रथम और दूसरा। शनि को अगर देखें तो शनि उच्च रहता है तुला राशि में, यानी कि जब सातवां अंक होता है वहां पर उच्च रहता है, जब मेष राशि रहते हैं वहां पर नीच हो जाता है, ये सूर्य का उल्टा चलता है। इसका स्वभाव बड़ा क्रूर माना जाता है, माना जाता है कि कठोर स्वभाव का होता है, पर देखो ये अनुशासित होता है, कि भले इसमें कठोर स्वभाव पर अनुशासित है। इसके जो मित्र ग्रह होते हैं मंगल, हालांकि मंगल कई बार इसका शत्रु भी माना जा सकता है, मंगल मित्र ग्रह होता है, शुक्र बुध राहु और केतु इसके मित्र ग्रह होते हैं, और इसका शत्रु ग्रह होता है सूर्य। सूर्य तो उसका कट्टर दुश्मन होता है, ध्यान रखिएगा, सूर्य चंद्र, हालांकि मंगल कभी कभी इसमें शत्रु बन जाता है। संभाव है बृहस्पति, बृहस्पति देव का कोई शत्रु होता नहीं है, तो बृहस्पति गुरु है, शनि भी उसके लिए संभाव ही रहता है। इसके बारे में कुछ नॉर्मल बातें। देखिए, पहले शनि ग्रह को थोड़ा समझ लीजिएगा। अगर शनि को आप देखते हैं, शनि जो होता है बहुत धीमी चाल से चलने वाला ग्रह है। आपने सुना होगा शनि की साढ़े साती होती है, शनि की ढैया चलती है, ये सब आपको प्रभावित करते हैं। जो शनि होता है ये ढाई साल तक, यानी कि दो साल और छह महीने तक ये एक ही राशि में गोचर करेगा, और इसे दूसरी राशि में जाने के लिए लगभग ढाई साल का समय लगता है। तो ये बहुत धीमी गति से चलता है। ये मान लीजिए जितने भी ग्रह हैं उनमें सबसे धीमी चाल शनि की होती है। शनि ढाई साल में गोचर करने वाला होता है, साढ़े सात की होती है, ढैया होती है, फिर ये मार्गी चलता है, कभी वक्री चाल से चलता है, और ये सभी राशियों को प्रभावित करता है। कोई ऐसा नहीं है कि मकर राशि को प्रभावित करेगा, सभी राशियों को शनि प्रभावित करेगा। अब शनि किस किस चीज को आपको देता है, देखो शनि विज्ञान से संबंधित है, टेक्निक जो टेक्नोलॉजी होती है, तकनीकी होती है, इंजीनियरिंग करना हो तो शनि देखना पड़ेगा, आपको विज्ञान के क्षेत्र में कुछ करना हो तो शनि देखना पड़ेगा, चिकित्सक आप बनना चाहते हैं तो आपका शनि देखा जाएगा, क्योंकि शनि आपको चिकित्सक बना देता है, युद्ध में भेज देता है, आपकी आयु का प्रतिनिधित्व करता है, दुख पीड़ा जेल मुकदमेबाजी कोर्ट कचहरी पुलिस आर्मी सब कुछ शनि है। शनि हर चीज पर अपना आधिपत्य जमाए होता है, लोहे का काम, खनिज धातुओं का काम, अधिकारी बनाएगा आपको, किसान बना देगा, शहीद जितने होते हैं उनके शनि के ऊपर थोड़े से राहु या केतु वगैरह या दूसरे पाप राहु की युति बन जाती है, किस तरह से शहादत जो शहीद होते हैं, इन सब का जो प्रतिनिधित्व होता है, जो प्रतिनिधित्व करता है वो कौन होता है, शनि होता है। तो इसको आप ऐसा नहीं कह सकते कि हमेशा क्रूर होता है, आप ये भी नहीं कह सकते कि हमेशा आपको नेगेटिव रोल देगा, नहीं। आप अगर आर्मी में बड़े अधिकारी बनना चाहते हैं तो आपको शनि को देखना पड़ेगा, बड़े किसान हैं, छोटे किसान हैं, अच्छे किसान हैं तो आपका शनि अच्छा है, आप
कमजोर किसान है तो आपका शनि पीड़ित है। अगर आप आर्मी में बड़े अधिकारी बन जाते हैं शनि बहुत अच्छा है, अगर आप आर्मी में सिपाही रहते हैं तो आपका शनि थोड़ा सा पीड़ित है। तो ये ऐसा नहीं कि मतलब इसको आप गालियां ही देते रहे, ये बहुत प्यारा ग्रह होता है, इसके कुछ अच्छे रिजल्ट भी होते हैं कुछ नेगेटिव भी होते हैं। शनि क्रूर है इसमें कोई डाउट नहीं है, शनि वास्तव में क्रूर होता है, पर कलयुग में अगर दंड अधिकारी किसी को माना जाता है तो मित्रों शनि को माना जाता है। कलयुग में कौन दंड दे सकता है आपके कर्मों का, वो शनि होगा। तो आपके जो कर्म होंगे अगर आप शनि, आप देखिए अगर शनि आपको पीड़ित कर रहा है तो आपके कर्मों का फल है, अगर शनि आपको अच्छा दे रहा है तो भी आपके कर्मों का फल है। तो शनि को दोष देने से पहले एक बार अपने कर्मों पर निगाह जरूर रखें, क्योंकि शनि कलयुग का दंडाधिकारी है, न्याय का देवता है, कर्मों का फल देता है और मकर और कुंभ राशि को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि मकर और कुंभ का तो स्वामी ही होता है, बाकी जितनी भी राशियां जितने भी ग्रह गोचर घूमेंगे सभी को प्रभावित करता है। इसलिए आज का जो लग्न है और आज की जो वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसको आप ध्यान से समझ के चलिए। जिस जिस जातक पे शनि की ढैया चल रही है, जिस जिस पे शनि का साढ़ेसाती चल रहा है, जिसकी सिंह राशि है उसके लिए भी शनि बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी मकर राशि है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है और मकर लग्न वालों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सीजन। अभी तक हमने शनि के संबंधित चीजें बात की और अब हम डिस्कस करेंगे कि शनि किस तरह से आपको पीड़ित कर सकता है। अगर मकर लग्न को आप देखते हैं, मकर लग्न आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मकर लग्न है, अगर हम मकर लग्न को देखते हैं तो मकर लग्न में शनि के प्रभाव से क्या होता है, यहाँ के लोग बहुत शांत हो जाते हैं क्योंकि शनि बहुत धीमा है। आप ध्यान से देखिए शनि बड़ी धीमी चाल से चलता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके लोग बड़े शांत स्वभाव के हो जाएंगे। शांत स्वभाव का मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें थप्पड़ मारोगे तो कुछ नहीं करेंगे, नहीं नहीं गलती नहीं, अपने तरफ से नहीं लड़ेंगे, अपनी तरफ से गलती नहीं करेंगे, आलसी रहते हैं बहुत ज्यादा, ये उठपटांग काम करना पसंद नहीं करता है, जो जीवन में चल रहा है बस उचित है, जो मिल रहा है सब ठीक है, बहुत शांत स्वभाव के, बहुत आत्मसंतुष्ट होते हैं, धीमे काम करने वाले होते हैं, आलसी होते हैं। पर अगर इनको आपने कुछ कहा तो फिर ये बदला नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि शनि दंडात्मक अधिकारी है, वो दंडाधिकारी है, वो आपको पनिशमेंट देगा। कई बार अपराधियों की कुंडली हमारे सामने आती है कि जी हमारे पापा बड़े अपराधी थे, उन्होंने बहुत मर्डर किए थे, तो जब उनकी कुंडली सामने निकल के आती है तो उसमें शनि ही उनका प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। उसमें क्या होता है कि किसी ने उनके फादर के फादर को मार डाला या किसी ने फादर के भाई का मर्डर कर दिया, तो उनके फादर ने क्या किया कि खुद ही कानून हाथ में लिया और खुद ही लोगों को मारना शुरू कर दिया, ये शनि होता है। फिर आप इसमें रोक नहीं पाएंगे इस बंदे को, मतलब समझिए इसको रोक पाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, ये बहुत बड़ा अपराधी बन जाता है। बदला लेने की नीयत इसमें बहुत हद तक होती है, ये माफ नहीं करना चाहता, मुकदमा बहुत जल्दी करेगा आपके ऊपर, छोटी सी बात होती है आपको जेल में देखने की धमकी देगा, आपको भुगत लेने की धमकी देगा, वो शनि का थोड़ा सा इसका असर रहता है, इसको थोड़ा ध्यान समझना। ये बहुत शांत है पर इसे छेड़ना नहीं है, ये सांप की तरह हो जाता है, इसको छेड़ना नहीं है, ठीक है। तो यदि इन्हें बदला लेना है तो उसमें ज्यादा डिले नहीं करेंगे, बहुत जल्दी से क्विक एक्शन लेंगे बदला लेने की नीयत में। लेकिन अगर प्रोग्रेस करनी हो जीवन में, पढ़ना हो, पढ़ाई लिखाई से कुछ लेना हो, तो बहुत धीमे चलेंगे। ये देखो पॉजिटिविटी की तरफ बड़े धीमे चलते हैं, नेगेटिविटी की तरफ बहुत तेजी से चलते हैं। किसी को थप्पड़ मारना हो जाके थप्पड़ मार देंगे, आपका ये पढ़ लीजिए सो जाएगा। तो ये शनि इसको काम कराता है कि अच्छे काम में धीमा कर देगा और बुरे काम में प्रोएक्टिव कर देगा, ठीक है। सकारात्मक होते हैं, बहुत पॉजिटिव थिंकिंग वाले होते हैं, जो होगा देखी जाएगी, कभी भी ये दूसरों का बुरा नहीं चाहते हैं, आत्मनिर्भर रहना पसंद करते हैं, बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं, लेकिन इनका न्याय कई बार इन्हें गलत कामों में ले जा सकता है, इन्हें अपराधी बना सकता है। आलसी होते हैं, जिस कारण क्या होता है, समय की कदर नहीं करते हैं, ये ज्यादातर लोग क्या हो सकते हैं, छोटे किसान हो जाते हैं, आर्मी के सिपाही हो जाते हैं, कि जिस समय इन्हें पढ़ना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, उस समय ये नौकरी ढूंढना शुरू कर देते हैं, ये शनि गड़बड़ कराते हैं, जब 10वीं 12वीं करते हैं नौकरी की तलाश में लग जाएंगे, और जब नौकरी करेंगे तब इन्हें समझ में आएगा यार मैं पढ़ सकता था, फिर उन्हें पढ़ना पड़ता है, फिर मेहनत करनी पड़ती है। तो ये क्या होता है, ये किसान रह जाते हैं, सेना में सिपाही बन जाते हैं, सेना में अधिकारी भी बन सकते हैं अगर समय की कदर करेंगे, कोर्ट कचहरी, क्योंकि कानून है, न्याय है, तो न्याय से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, कोर्ट कचहरी में अगर शनि बहुत अच्छा नहीं है तो वहां पर क्लर्क बना देगा, अगर शनि अच्छा है तो वहां जज बना देगा। ये देखिए अगर शनि ठीक है, शनि और ग्रहों के साथ ठीक है, तो कोर्ट कचहरी में वकील बना देगा, तो जज, जज के पैरोकार, वकील, ये ज्यादातर शनि से पीड़ित और शनि से प्रभावित लोग होते हैं,
बदला लेने के अपराधी बन जाते हैं, तो कोर्ट कचहरी से इनका लेना जाना जीवन भर रहता है। और एक और चीज है, मकर लग्न के जातकों को संघर्ष बहुत करना पड़ता है, क्योंकि बहुत धीमी चाल से बहुत धीरे 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 काम करना चाहते हैं, जिसलिए प्रोग्रेस लेने के लिए इन्हें बड़ी धीमी चाल से चलना होता है। तो ये शनि का एक बेसिक चीज है जो आपको देखना चाहिए, अगर आपका मकर लग्न है तो समझना चाहिए। एक और बात आती है, अगर मकर लग्न किसी स्त्री का हो तो ये बहुत ही अच्छा नहीं माना जाता है, और अगर मकर लग्न आप है तो फिर ये आपको समझना चाहिए कि इन चीजों को थोड़ा सा बदल सकते हैं। मकर लग्न किसी स्त्री का हो जाता है तो ये बहुत ही घमंडी हो जाती है, बहुत ही जिद्दी और कठोर स्वभाव की होती है। ऐसी माँ बनती है जो अपने पति और अपने पिता, अपने भाई, अपने बेटे सब पे हुकूमत चलाना चाहेगी। ये चाहेगी कि सब उसी के डंडे के नीचे घूमे, सब उसी के हिसाब से चले। मकर लग्न की महिला बहुत कठोर स्वभाव की होती है, ये बहुत चिढ़ने वाली होती है। शनि है तो क्या करता है, खुद को लगाता है कि तू बड़ा ज्ञानी है, तेरी चलनी चाहिए, तेरी सुनी जानी चाहिए, बाकी सबसे चिढ़ना शुरू कर देती है। ये महिला क्या करती है, दूसरे को नीचा दिखाना शुरू कर देती है, दूसरी महिलाओं को तो बर्दाश्त ही नहीं करती। अगर इससे कोई सुंदर महिला आ गई तो चिढ़ जाए, फैशन बहुत पसंद नहीं होता है, आंखें इसकी डार्क सर्कल लिए होती है, थोड़ा सा दिखाई कम देता है, आंखें हल्की इसकी खराब रह सकती है, एलर्जी रह सकती है, और ये जो ना मतलब एक आंख की खराब भी हो सकती है। कई बार मकर लग्न की महिलाओं में देखा गया उनकी एक आंख छोटी होती है। तो इसमें क्या होता है, ये पसंद किसी महिला को जल्दी से करती नहीं है, हमेशा चुगलखोरी की आदत हो जाएगी इनकी। शिक्षित कम रहती हैं, या तो इनकी एजुकेशन हो ही नहीं पाती पूरी, इनके दादा दादी पापा मम्मी कोई ना कोई इनकी पढ़ाई को बीच में ड्रॉप करा देता है। और अगर ये कहेगी जी मैं तो बीएड कर चुकी हूँ, मैं तो बीएससी कर चुकी हूँ, तो आप ध्यान से इनके डॉक्यूमेंट्स देखिएगा, इनकी मार्कशीट देखिएगा, बहुत अच्छे मार्क्स ये लेके नहीं आती है, भले ही इनकी डिग्री, क्योंकि आजकल जो औसत डिग्री है, जो पहले हम अगर कहते थे, देखिए अगर पुराने जमाने में कहते हैं कि शिक्षा कम है तो वो अनपढ़ भी रह सकता था, आज के जमाने में अनपढ़ रहना बहुत आसान नहीं है। नॉर्मली अगर हम कहते हैं शिक्षा कम है तो 10वीं 12वीं तक कर जाएगा, ग्रेजुएशन भी कल आप कर सकता है, लेकिन अगर वो ज्यादा डिग्रीज ले रहा है तो उसके मार्क्स कम रहते हैं। मतलब शिक्षा ऐसी रहती है जिसका बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं उठा पाते, इन्हें बहुत शिक्षित एजुकेटेड नहीं कर सकता, ले दे के पास होने वाले लोग होते हैं, एग्जाम टाइम में पढ़ते हैं वहीं पे पास हो जाते हैं, बस इनका जीवन का यही उद्देश्य रहता है, बहुत ज्यादा शिक्षा ग्रहण करना इनका उद्देश्य नहीं है। एक और चीज मैं बताता हूं, मकर लग्न की महिलाओं में अगर इन्हें एक चीज याद हो जी, जैसे मान लीजिए इन्हें किसी देश की राजधानी याद हो गई, तो ये नहीं कि उस ज्ञान को अपने तक रखेंगे, ये पूरे मोहल्ले में जाके किसी ना किसी बहाने से उसका दिखावा भी करेंगी, तो ये दूसरों को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी कर पाएंगे। इनका जीवन बड़ा नियमित होता है, सुबह को उठना, पूजा करना, जल्दी सोना, सेम टाइम पे उठना, सेम प्रोसेस, जीवन में ज्यादा बदलाव पसंद नहीं करेंगे, जो इन्हें करना है वो एक शेड्यूल्ड टाइम के अकॉर्डिंग ये चलती है। धार्मिक होती है पर धार्मिकता का दिखावा बहुत ज्यादा करती है। अगर ये कहीं पे जागरण में जाएंगी, कभी भी देखना मकर लग्न की अगर महिला किसी जागरण में गई तो ये पूरी मतलब वहां पे ऐसा करेगी जैसे देवी इसी के सर पे आ गई हो, तो ये धार्मिक और धार्मिकता का दिखावा, मंदिर जाएगी तो पूरा माथा लीप के आएगी, आप समझिए इसको, या फिर मंदिर जाएगी तो पूरा वेश वैसा बना लेगी ताकि लोगों को लगे दिखे कि ये देखो ये भगवान के लिए कितने समर्पित है, फुल अट्रैक्शन चाहती है धार्मिकता में। इनके बच्चे अक्सर बिगड़े हुए होते हैं, ध्यान रखिएगा, इनके बच्चे अक्सर इनके सुनते नहीं है, क्यों नहीं सुनते हैं, क्योंकि दूसरों को नीचा दिखाती है, और जब आप दूसरों को नीचा दिखाएंगे तो आपकी नहीं सुनी जाएगी, आपको वैसे ही बच्चे पैदा होंगे जैसे बच्चों की आप चुगली करते हैं दूसरों की, तो इनके बच्चे अक्सर बिगड़ी प्रवृत्ति के हो जाएंगे, चुगली जब करेंगी जुबान पे कंट्रोल नहीं होगा, ज्यादातर ये बात करते समय मुंह खोल देती है अपना, मतलब बातें की, बातें करने के बाद में, बात खत्म होने के बाद मुंह बंद नहीं करेंगी, मुंह खुला रह जाएगा, ये शनि का बिगड़ी प्रवृत्ति का आधार है। अगर आप बात करते हैं और बात करते समय आपका मुंह खुला रह जाता है, समझ लीजिए मेरा शनि खराब चल रहा है मकर राशि वाली महिलाओं के लिए। तो मुंह खोल के बात करती हैं, बात करने के बाद भी मुंह खुला रहता है, फिर बात करने के बाद ये देखती हैं कि कौन कौन तेरी बात को नोटिस किया है, देखो मैंने मतलब समझो ये ऐसी बात करेगी कि सामने वाले को लगे कि कितनी तकड़ी कितनी जबरदस्त बात की है, और फिर उसका रिएक्शन सबके चेहरों पर देखेगी, ये महिला है मकर लग्न की। तो अगर ये प्रवृत्ति किसी महिला को आपको नजर आ रही तो 99% उसकी आज जो लग्न होगा वो मकर होगा, और यहां उसका शनि बिगड़ा हुआ होगा, और ऐसी महिला के जो जातक होंगे वो बिगड़ैल प्रवृत्ति के होंगे, चुगली में, जबान पे कंट्रोल नहीं रखती हैं, बड़ी बड़ी डींगे हांकने वाली होती हैं, तो ये थोड़ा सा बिगड़ा हुआ प्रवृत्ति यहाँ पे आ जाती है।
मकर लग्न है और मकर लग्न में पहले और दूसरे ध्यान से देखिएगा, ये प्रथम भाव है, एक बार मैं समझा देता हूं इसको। अगर मकर लग्न है और इसके पहले भाव में यहां सूर्य है या दूसरे भाव में यहां पे सूर्य है, पहले या दूसरे भाव में अगर मकर लग्न में सूर्य दिया हुआ है तो देखो ये इसकी इनकम का भाव है, वाणी का भाव है, इसके शब्दों का भाव है, इसके आचरण का भाव है, इसकी कमाई का भाव है, इसको प्रभावित कर देगा। क्योंकि सूर्य जो होता है वो यहां भी शत्रु है और वो यहां भी शत्रु है, क्योंकि दसवां अंक ग्यारहवां अंक दोनों शनि के हैं और दोनों जगह सूर्य यहां पे शत्रु होता है। तो क्या क्या दिक्कत करेगा, इसका कारोबार खराब कर देगा, इसका स्वास्थ्य खराब कर देगा, इसके चेहरे पे रिंकल्स बहुत जल्दी आ जाएंगे, डार्क सर्किल झाइयां बहुत जल्दी पड़ जाएंगी इसके चेहरे पे। सूर्य इसको जलाता है और शनि सूर्य एक दूसरे के एंटी हो जाते हैं, जिस वजह से इसको टेंशन बहुत रहती है, सरदर्द बहुत रहता है, दिमागी बुखार हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, इवन इसका ब्रेन हेमरेज तक के योग इसको हो सकते हैं, हार्ट की डिजीज इसको दे देता है, सांस की वायु सांस बोलना गला, थायराइड की प्रॉब्लम इसको देके चलेगा, आर्थिक दशा इसकी बिगाड़ देगा, आपका वो सबका नाश बिल्कुल करेगा। अगर मकर लग्न में सूर्य प्रथम भाव में और द्वितीय भाव में बैठा है, कुछ कुंडलियां आपको ऐसी मिलेंगी वो कहेंगे जी मेरा द्वितीय भाव में बैठा है, देखो मेरा तो बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, नहीं चल सकता, आप कर्ज में डूबे हुए होंगे। आप अगर 10 लाख रुपए की इनकम करते हैं पर मंथ में तो आप पे 12 लाख की देनदारी होगी। तो ये अगर ऐसा, हाँ इक्का दुक्का केस हो सकता है, 1-2% केस ऐसा हो सकता है जहां पे ये बातें सटीक नहीं बैठती हैं, तो उसमें कुछ पूर्व ग्रहों का कोई ना कोई खेल होता है, माता पिता के ग्रहों का खेल होता है, हो सकता है पैतृक संपत्ति इतनी मिली हो कि उसमें समस्या ना आई हो, लेकिन खुद के व्यक्तिगत जीवन में इस व्यक्ति को बीमारियां मिलेंगी, सांस की बीमारियां मिलेंगी, आर्थिक स्थिति इसकी खराब रहेगी, ये किसी भी काम को करेगा बहुत धीरे से, इसकी आर्थिक दशा बहुत धीरे धीरे चाल से चलेगी, और इसका पिता पुत्र का टकराव हमेशा रहेगा, क्योंकि शनि सूर्य एक दूसरे के पिता पुत्र होते हैं, सूर्य पिता है शनि पुत्र है, टकराव हमेशा रहेगा। और केतु और मंगल, ये ध्यान दीजिएगा, केतु और मंगल की स्थिति भी खराब हो तो जातक की एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, सुसाइड कर सकता है, नॉर्मल बिजली के करंट से मर सकता है, रोड एक्सीडेंट में मारा जा सकता है, ट्रेन हादसे में मारा जा सकता है। तो ये इस तरह के इसके अकाल मृत्यु के योग बन जाते हैं। और लग्न में अगर शनि और केतु हो, ध्यान दीजिएगा सूर्य ऑलरेडी है, शनि भी खुद के ही लग्न में है और केतु भी यही है, तो बहुत बड़ी दिक्कत इसको आने वाली है। ये जातक अपना बदला लेने के लिए अपराधी बन जाएगा, बड़े लेवल का बदमाश बन जाएगा, और फिर इसका एनकाउंटर हो जाएगा या इसके दुश्मन इसकी हत्या कर देंगे। मतलब बड़े अधिकारियों बड़े अपराधियों की कुंडली में अक्सर ये योग देखा जाता है कि शनि सूर्य, अच्छा इसकी पत्नी, अगर ऐसा योग है तो इसकी जो पत्नी है वो पत्नी इसकी कभी वैल्यू नहीं करती है जीवन में, तो तलाक भी हो जाता है, पत्नी किसी और के साथ भी चली जाती है, संबंध कहीं और बना लेती है। तो इस तरह के योग को थोड़ा सा यदि है किसी बच्चे की कुंडली में आ रहे हैं तो एक बार आपको उसकी कुंडली किसी विशेषज्ञ से एक बार कंसल्टेंसी जरूर लेनी चाहिए। अगले स्लाइड में हम क्या देखेंगे, अगर चौथे भाव में सूर्य हो, राशि आएगी एक अंक यानी कि 11, 12, 1, ये मेष राशि का ग्रह बन जाएगा, और यहां अगर सूर्य है तो सूर्य उच्च का हो जाएगा, और यहां पे जो शनि है शनि नीच का हो जाएगा। ऐसी अगर यहाँ पे सातवां अंक आएगा तो यहाँ पे अगर सूर्य है तो सूर्य नीच हो जाएगा और शनि यहाँ पे उच्च हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं सिर्फ इस भाव की, ये चौथा भाव है, वाहन माता और आपके संबंधों का भी होता है कई बार तो ये, ठीक है, और ये आपकी प्रोग्रेस के कार्य क्षेत्र के लिए भी होता है, जमीन जायदाद के लिए भी होता है, प्रॉपर्टी के लिए होता है, बहुत चीजों को ये भाव आपको रिप्रेजेंट करता है। तो जातक का अगर सूर्य यहाँ पे है तो ये खूब पैसा कमाता है, कोई कमी नहीं है, कोई समस्या नहीं है पैसे कमाने में, इसको वाहन बहुत अच्छा मिल जाएगा, इसको जमीन जायदाद भी मिल जाएगी, सूर्य उच्च है, उच्च का सूर्य से सब कुछ देगा, यहाँ पे बैठ के सूर्य बहुत कुछ देता है, इसको आनंद देता है जीवन में, कोई समस्या नहीं होती, लेकिन पिता के एंटी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लग्न शनि है और चौथे भाव में सूर्य उच्च का है, तो जो सूर्य उच्च है तो शनि उसको बर्दाश्त नहीं करता, तो यहाँ पे क्या होता है, पिता से इसको प्रेम नहीं मिलेगा। अब पिता से प्रेम नहीं मिलेगा तो हो सकता है पिता का या तो देहांत हो जाए, या पिता जल्दी में इनको छोड़ दे, या फिर जिस समय इसके करियर बनने की बात हो उस समय पिता इससे कुछ नफरत करना शुरू कर दे, या कोई भी जीवन में ऐसा काम बन सकता है जिससे पिता को, हो सकता है वो कान अफूसी करके पिता को इसके खिलाफ सिखा दे,
कुछ भी हो सकता है, इसको पिता से प्रेम कम मिलता है, ठीक है, अपमान करेगा। अच्छा इसमें एक और देखे, एक और चीज देखना इसमें, यदि इसी घर में शनि भी होता है, यानी कि सूर्य उच्च और शनि नीच का, तो फिर तो बहुत मुसीबत आने वाली है। ऐसे में क्या होता है कि यहाँ पे पिता पुत्र में 100% बैर बनेगा, और यहाँ पिता छल नहीं करता है, पुत्र छल करता है। सूर्य उच्च है यानी इसका पिता अच्छा है, लेकिन शनि नीच है यानी बेटा ही निकम्मा है, तो इस ये अपने पिता के साथ भी गड़बड़ करता है और इसका बेटा फिर इसके साथ गड़बड़ करता है। ये ध्यान रखना, इस ये पहले अपने पिता का अपमान करेगा, यानी कि ये योग जो निकल के आएगा ये शनि नीच का उच्च सूर्य का अपमान करेगा, सूर्य पिता शनि पुत्र, पुत्र अपने पिता का अपमान करता, तो ये जातक भी अपने पिता का अपमान करेगा और इसका बेटा भी इसका अपमान करेगा। ये कुंडली का एक विश्लेषण होता है, ये कभी फेल नहीं होगा, ये 100% होगा। इस जातक का पिता अच्छा है, सूर्य उच्च शनि नीच में, लेकिन ये अपने पिता का अपमान करेगा, इसका बेटा इसका अपमान करेगा। मकर लग्न में खास बात यह भी होती है कि इसकी कहीं भी राशि बैठी हो, तो चंद्रमा कहीं भी बैठा है, इसकी पत्नी बड़ी सुंदर होती है। बड़ी सुंदर मतलब ये नहीं कि विश्व की सबसे खूबसूरत महिला होगी, लेकिन इनके परिवार के हिसाब से इसकी जो पत्नी होगी वो अच्छी होगी, उन बाकी महिलाओं के मुकाबले में वो थोड़ी ज्यादा सुंदर होगी। धार्मिक होगा ऐसा व्यक्ति, दूसरों की मदद बहुत तेजी से करेगा, समाजसेवी बनेगा, न्यायप्रिय बन जाएगा। लेकिन ऐसे जातक में क्या होता है कि इनकी संतान जो होती है कन्या ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे दूसरा अंक शुक्र का आएगा। शुक्र होता है फैशन का, फैशन महिलाएं कर सकती है, लड़कियां कर सकते हैं। शुक्र होता है शिक्षा का, तो शिक्षा जो होता है दूसरा अंक सम राशि, ये पुत्री ज्यादा देता है। तो जब यहाँ पुत्रियां ज्यादा होंगी तो ये अबॉर्शन कराता है, और जब ये अबॉर्शन कराएगा तो इसको पाप लगता है, और उस पाप को इसको भोगना पड़ेगा, इसको भी, इसकी आने वाली पीढ़ियों को भी। सूर्य जिस घर में होगा उस घर से संबंधित परिणाम देगा। मान लीजिए सूर्य यहां आ जाए सप्तम भाव में, सप्तम भाव में पत्नी से दिक्कत कर देगा। सूर्य आगे यहां पे आ गया पिता के भाव में, तो यहाँ पिता की हृदय से हृदयघात से मृत्यु करा देगा, एक्सीडेंट बना देगा। सूर्य अगर यहां आ गया आपका आयु भाव में, तो इसकी आयु को प्रभावित कर देगा। तो सूर्य जिस घर में होता उसी घर का प्रभाव देता है, ठीक है। स्त्री इसकी हमेशा धोखा दे सकती है। अगर देखो, अगर सप्तम भाव में सूर्य है यहां पे, सॉरी साथ नहीं बैठेगा, 3-4, अगर यहां पर कर्क का सूर्य बन जाएगा, ठीक है, तो यहां से क्या होगा, इसकी पत्नी इसको धोखा दे जाएगी, इसका वैवाहिक जीवन बर्बाद हो जाएगा, या तो उसकी शादी होती ही नहीं है। अगर सूर्य इसके सप्तम भाव में बैठा मकर राशि में, तो शादी होगी ही नहीं, होगी मनपसंद नहीं होगी, जीवन भर कलह रहेगा। मनपसंद हो गई तो पत्नी या तो डिवोर्स हो जाएगा, या पत्नी बीमार हो जाएगी, जिसकी वजह से इसका वैवाहिक जीवन बड़ा खराब रहता है। तो ऐसे जातक को विवाह से पहले बहुत कुछ सोचना समझना चाहिए, अपनी कुंडली को एक बार मैच जरूर करवाना चाहिए, ठीक। अगर चौथे भाव में नीच है तो माता से एक और चीज समझने की कोशिश करें आप, यहाँ पे अपनी कुंडली आप देख सकते हैं। देखो पूरी कुंडली का विश्लेषण तो कर पाना पॉसिबल नहीं, मैं एक एक भाव को बता दूं, वो पॉसिबल नहीं है। हर व्यक्ति की कुंडली उसकी योगिनी दशा, विमशोत्री दशा, अंतर प्रत्यंतर सब दशाएं प्रभावित करती है। सप्तमांश कुंडली, नवमांश कुंडली, हर कुंडली उस पर निर्भर करती है कि आप क्या बनाने वाले हैं, आप जीवन में क्या करने वाले हैं। तो सिर्फ एक लग्न को देख के हम अपनी कुंडली नहीं चेक कर सकते हैं, बहुत सारा विश्लेषण होता है, लेकिन ये मिलते जुलते से योग आपको मिलेंगे। तो अगर ऐसा है तो आप अपनी कुंडली को एक बार मैच जरूर करा लें, ठीक है, सटीक उपाय मिलेंगे आपको। और घबराने की जात नहीं, हम बहुत ज्यादा फीस लेते हैं कि बहुत ज्यादा फीस कलेक्ट करते हैं, बहुत मिनिमम फीस रहती है, और पूरा प्रॉपर आपको टाइम मिलता है, तो आराम से अपनी कुंडली को चेक करेंगे। ज्योतिष की कुंडली में जो आपका जन्म लग्न की कुंडली है, उसमें सब कुछ आपके बारे में लिखा है, क्या कर सकते हो, क्या हुआ है, क्या होने वाला, सब लिखा है, ठीक है। चौथा भाव है आपका ये घर, अगर इस घर में यहाँ पे शनि बैठा है, यानी कि शनि क्या हो गया, यहाँ पे नीच का शनि हो गया, एक अंक जाएगा नीच का शनि हो जाएगा, तो ये माता का घर भी होता है। तो यहां से क्या होता है कि माता से थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। मान लीजिए सूर्य नहीं है तो की बात कर रहा हूं, माता से क्या दिक्कत हो जाएगी कि इसकी माता से इसको प्रेम नहीं मिलता है, छल मिलता है। कैसे छल मिल सकता है, इस लड़के की माता, इस बच्चे की माता क्या हो सकती है, जब ये छोटे होंगे तो इसकी माता कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग में फंस सकती है, माता के अफेयर कहीं ना कहीं पकड़े जा सकते हैं, माता बदनामी करवा देती है इनके पिता की, माता को सुख कम मिलता है। ऐसे जातक के मित्र, हाँ यहाँ पे चौथे घर में है तो मित्र बहुत ज्यादा बना देगा, पैसा भी कमवाएगा, इसका पर्सनल नाम बहुत होगा, लेकिन इसकी माता का कलंक इसके साथ साथ चलता रहेगा। ये धन खूब कमाएगा,
वाहन जल्दी चलाना सीखेगा, बहुत मतलब ये वाहन का योग भी होता है, तो वाहन को जल्दी सीखेगा क्योंकि लग्न का स्वामी सीधा चौथे घर में गया हुआ है, वाहन जल्दी चला लेगा, लेकिन वाहन को तेज चलाएगा, तेज चलाएगा दुर्घटना कर बैठेगा, तो दुर्घटना से बचने के लिए इसको वाहन के उपाय करिए, तब जाके वाहन दीजिए, जल्दी वाहन नहीं देना। सातवें भाव में अगर केतु बैठा है, ध्यान दीजिएगा, चौथे घर में शनि और सातवें भाव में केतु, यहां पे केतु बैठा हुआ है, ठीक है, और इस केतु पे मंगल की या तो चौथी दृष्टि पड़ रही हो, मान लीजिए यहां पे मंगल है या यहां पे मंगल है, मंगल की चौथी दृष्टि, सातवीं दृष्टि या फिर आठवीं दृष्टि, किसी भी तरह से यहां मंगल हो, मंगल यहां पे हो या यहां पे हो, और इसकी चौथी दृष्टि, सातवीं दृष्टि या फिर आठवीं दृष्टि से इस घर को देख रहा हो, देखो तो इसको बहुत संभल के जीना है, इसे सांप काट सकता है जिसकी वजह से मृत्यु हो सकती है, कुत्ते काटने से इसको रेबीज हो सकता है जिसकी वजह से मृत्यु हो सकती है, इसकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो सकती है, लेकिन जानवर के सर्प दंश का इसको ज्यादा दिक्कत होती है, सातवें भाव में केतु बैठा हुआ है। और अगर इसके दूसरे भाव में केतु बैठा है, ध्यान दीजिएगा इसमें, अगर इसके दूसरे भाव में केतु बैठा, मान लीजिए यहां केतु बैठा हुआ है, ठीक है, और मंगल की दृष्टि उस समय चौथी सातवीं या आठवीं दृष्टि मंगल की पड़ रही है, तो फिर ये उल्टा हो जाएगा, फिर ये स्नेक रेस्क्यूअर बन जाएगा, ये सांप को बचाएगा, जानवरों को बचाएगा, कुत्तों को पालेगा, कुत्तों की बड़ी केयर करेगा, उनको लाड़ प्यार बहुत करेगा, फिर ये कुत्तों के प्रति इमोशनल हो जाएगा, जानवरों के प्रति बड़ा इमोशनल हो जाता है। तो केतु का योग भी इसमें ध्यान से समझिएगा, अगर ऐसी कुंडली बन जाती है तो इस आदमी को बहुत सचेत रहना है, केतु यहाँ पे है तो स्नेक रेस्क्यूअर बन जाता है, पर फिर भी सर्प दंश का योग, सांप के काटने का योग इसे बना रहेगा। तो अगर किसी व्यक्ति को कभी कुत्ते ने काटा है या सांप ने काटा है, तो उसके ऊपर कुंडली देखेगा, वहां उसका शनि केतु और मंगल के योग जरूर निकल के आएंगे, अगर किसी को सांप काट देता है तो। आपकी कुंडली सबकी अलग होती है, हम ये नहीं कहते कि आप लग्न देखेंगे तो लग्न से आपकी कुंडली निकल जाएगी, ये तो मैंने मकर लग्न की जो व्यवहारिक चीजें वो आपको बता दी है, पर सभी मकर लग्न के साथ ऐसा हो ये संभव नहीं है। आपकी मकर लग्न में बाकी ग्रहों की दशा क्या है, आपकी विंशोत्तरी क्या है, आपकी योगिनी दशा कौन सी चल रही है, आपका नवमांश कुंडली क्या कहता है, वो सब डिसाइड करता है कि आपके जीवन में क्या होने वाला है। तो एक बार अपनी कुंडली जरूर चेक करें, कोई समस्या नहीं है, आप बहुत मेहनत करते हैं जीवन में, फल नहीं मिलता है, कोई भी समस्या नहीं, तो एक बार हमारे कहने से ज्योतिष विश्लेषण जरूर कराएं। मैं नहीं कहता, मेरे पास कराइए, आप किसी भी अपने कुंडली विश्लेषण कराएं, हमारे पास भी कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं, उसके लिए सिंपल एक फॉर्म करना है आपको 7535002233, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, फॉर्म कॉल बेस हो जाता है, या फिर 9613222244 इस नंबर पे सिर्फ कॉल होता है, और इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, तो आप इससे एक अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं अपना, बहुत मिनिमम फीस है हम लोगों का, उसको अपॉइंटमेंट करा के आप सीधा अपना कुंडली के बारे में जान सकते हैं। जो भी उपाय है उन्हें करिए, मेहनत कीजिए, आगे भी बढ़िए। तो ठीक है मित्रों, अब जल्दी मिलेंगे आपसे वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।